हेलो, वेलकम टू बैक सगीरा बानो चैनल। इजी क्विक अंडा मसाला एक मसाला रेसिपी। बिना टाइम वेस्ट किए रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। हेलो, आज मैं बनाने जा रही हूँ एक मसाला। बहुत ही इजी तरीके से और 2 मिनट्स में एक मसाला रेडी। तो चलो, टाइम क्यों वेस्ट करें, रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। एक मसाला बनाने के लिए मैंने 3 टमाटो, 2 प्याज, कटी हुई हरी धनिया और अदरक लहसुन का पेस्ट तैयार कर लिया है। सबसे पहले टमाटो को कट करके उसका पेस्ट बना के रेडी कर लेंगे। इसके बाद प्याज को बारीक कट कर लेंगे। टमाटो को मिक्सर में पीस के पेस्ट बना के रेडी कर लें। अंडे बॉईल करके उनकी सफाई करके एक बाउल के अंदर निकालें। इसके बाद सभी अंडों को कट लगा के तैयार कर लें। गैस के फ्लेम को ऑन करके पैन रख लें। पैन गर्म होने के बाद 4 से 5 चम्मच घी डालें। घी को अच्छी तरह से गर्म होने दें। घी गर्म होने के बाद कटे हुए प्याज को इसी के अंदर डालें। प्याज को हल्का ब्राउन होने तक अच्छी तरीके से भून लें। प्याज हल्का ब्राउन होने के बाद टमाटो के पेस्ट को इसी के अंदर डालें। इसी मिश्रण को अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद इस मिश्रण को 5 मिनट तक धीमी आंच पर रख लें। इसके बाद इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालें। अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद मिश्रण को 5 मिनट तक मिक्स कर लें। इसके बाद इसी मिश्रण में लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच डालें। आधा चम्मच हल्दी पाउडर डालें। अपने टेस्ट के मुताबिक नमक डालें। बाद इसी मिश्रण में मैजिक मसाला पाउडर या गरम मसाला पाउडर डालें। सभी मसाले डालने के बाद मिश्रण को अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। इसके बाद इसी मिश्रण में 1 ग्लास पानी डालें। मिश्रण में पानी डालने के बाद मिश्रण को मिक्स करें। इसके बाद इसी मिश्रण में कट लगाए हुए एग्स को रख लें। इसके बाद पैन को कवर करके 15 मिनट तक धीमी आंच पे कुक होने दें। 15 मिनट के बाद एग मसाला तैयार है। आप गैस के फ्लेम को ऑफ कर दें। एक मसाले को उतारें, उसके बाद उसे हरी धनिया से गार्निश कर लें। इस तरह से एक मसाला अंडा मसाला बनके हमारा तैयार है। इसे पराठों के साथ या तो जीरा राइस के साथ परोसें। अगर मेरी एक रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और लाजमी सब्सक्राइब कीजिए।